हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। जंगलों के भीतर नहीं जाने की वन विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज करना एक ग्रामीण को महंगा पड़ गया। पुटू खोजने निकले एक युवक की जंगली भालू से मुठभेड़ हो गई। इस खूनी संघर्ष में युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। वह जैसे तैसे भागकर घर पहुंचा, जिसके बाद उसे पसान के अस्पताल ले जाया गया। गहरे जख्मों को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे पेंड्रा के अस्पताल रेफर कर दिया है। घायल हुए युवक का नाम आनंद है। वह पसान वन परिक्षेत्र के सूखा भरा गांव का रहने वाला है। परिजनों की माने तो आनंद कुमार आज सुबह पुटू की तलाश में जंगलों के भीतर गया हुआ था, तभी अचानक उसका सामना एक भालू से हो गया। वह खुद को बचा पाता, इससे पहले ही भालू ने उस पर हमला कर दिया। जान बचाकर आनंद कुमार लहूलुहान हालत में सीधे घर पहुंचा और इस बात की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे पेंड्रा के अस्पताल में दाखिल किया गया। इसके पश्चात घायल आनंद कुमार की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बिलासपुर सिम्स भर्ती कर दिया गया है। वन विभाग की इस टीम में अखंड प्रताप सिंह तिवारी, एसएस तिवारी, केपी तिवारी और राकेश यादव आदि शामिल थे। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से अपील की है कि वह फिलहाल जंगलों के भीतर प्रवेश से बचे। गौर करने वाली बात है कि इन दिनों पसान क्षेत्र में जंगली हाथी और भालू का आतंक देखा जा रहा है। वन विभाग की चेतावनी के बाद भी ग्रामीण जंगलों में घुसने से बाज नहीं आ रहे हैं और इस तरह वह वन्य प्राणियों के हमले का शिकार हो रहे हैं। INN24 के लिए पसान से जुबेर खान की रिपोर्ट।